बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलाम अला मन ला नबी बादा। मेरे सवाबी के बाशिंदों, मेरे पाकिस्तान के हर जगह से आए हुए इमरान खान के टाइगरों, आज के दिन आपके जोश वलवले और जज्बे को खान साहब के नुमाइंदे के हैसियत से सलाम पेश करता हूं। आज का दिन खान साहब के एक साल पूरा होने को आया, आज का दिन खान साहब के साथ इजहार यकजहती है, खान साहब के बहादुरी को, खान साहब के जुर्रत को, खान साहब के असूल को, खान साहब के बीमारी का बहाना न करने को, वो अपने बयानी पे आज के दिन तक कायम होने को, आज तक उनका जो जज्बा है ये नस्लें याद रखेगी, हम उसको सलाम पेश करते हैं। खान साहब अडियाला वालों, जहां जहां अडियाला में रखा है खान को मैसेज पहुंचाओ। आपने कहा हम टाका लगाएंगे, अरे आवाम ने आपके नामों के टाका लगाया, खान आज भी जिंदा है। इमरान खान अब आइंदा नाम नहीं है, नजरिए का नाम है। खान का नजरिया हर जगह मौजूद होगा। ये दो साल जो फिरौनियत के लाखानियत के गुजरे हैं पार्टी पे, खान साहब डटे रहे, 200 केसेस भुगते, हर किस्म की ज्यादतियां हुई, बच्चों के साथ, बूढ़ों के साथ, औरतों के साथ, हमारी माओ के साथ, आज रेहाना डार भी मौजूद है उसके साथ, हमारी बहनों के साथ जो जेल में मौजूद है, लेकिन एक काम नहीं कर सके, खान का बयानिया ये नहीं मिटा सके। इन्होंने 5 दिन में 3 सजाएं इसलिए दी कि लोग खान साहब को भूल जाएंगे, लेकिन आज भी लोगों के दिलों में खान साहब जिंदा है। ये जमे गफीर, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे बड़ा जलसा, यह सबसे बड़ा जलसा इस बात का सबूत है कि अवाम पाकिस्तान के साथ है, इमरान खान साहब के साथ है। इनका कोशिश क्या है, हम एक बात वाज़े करना चाहते हैं, हमारा किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं है, हम चढ़ाई नहीं करना चाहते, हम दावा नहीं बोलना चाहते, लेकिन एक मुल्क में 2 कानून नहीं हो सकते। हमारी औरतों पे हाथ उठाओ, हमारे एमएनएस को भी आप जबरी गुमशुदगी करवाओ, तो ऐसे 2 कानून नहीं हो सकते। अगर यह तरीका रहा तो मुजाहिमत की तरफ आवाम जाएगी। हम चाहते हैं कि मुजाहिमत ना हो, सोच समझ के पैसा ले लो। वो लोग जो लीडरों और अवाम के दरमियान खलीज डाल रहे वो मुल्क के दुश्मन है, वो मुल्क के दोस्त नहीं है। खान साहब ने कहा है, हम कहते हैं डायलॉग होने चाहिए, खलीज खत्म होना चाहिए, दूरियां खत्म हो, जिस करप्ट सिस्टम के बेनिफिशरी है वो लड़वाना चाहते हैं कि ये आवाम अपने महबूब एस्टेब्लिशमेंट से लड़े। हम चाहते हैं, खान साहब का नजरिया है सब मुल्क एक कानून एक नजरिया, रूल ऑफ लॉ हो, अदलिया आजाद हो, हर हकदार को उसका हक मिले, यही खान साहब का नजरिया है। इसी नजरिए के लिए हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। हमें डराया धमकाया गया, हकूमत ने कहा आप पे आर्टिकल 6 लगाएंगे, हकूमत ने कहा हम पार्टी पे बैन लगाते हैं। हम कहते हैं डराओ नहीं, बैन उन लोगों पे लगाओ, बैन उन लोगों पे लगने चाहिए जो पाकिस्तान के अवाम के खजाने के खाइन है, जो सारा लूट के बाहर ले गए।
अगर आर्टिकल 6 लगना है उन पे लगे, पाबंदी लगनी है उन लोगों पे लगे जिनकी स्टेटमेंट है पाकिस्तान मुखालिफ स्टेटमेंट आलमी अदालत में इस्तेमाल हुई। खान साहब का नजरिया है एक मुल्क एक कानून, खुदा का कानून हर मुल्क में हर दुनिया में। इंशाअल्लाह ताला वो लीडर जल्द बाहर आएगा। उनका मैसेज यही है, दो साल एक साल तक खान साहब को जेल में रखा, आज कोई केस नहीं है जिसमें खान साहब की कन्विक्शन हो लेकिन फिर भी जेल में बंद है। हम समझते हैं ये लाकानूनियत है, ये गैर आईनी गैर कानूनी है। बुशरा बीबी का जहां से उसका तोशखाना के साथ दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं, बीबी का नाम नहीं था लिस्ट में, बीबी ने पैसे नहीं दिए तोशखाना के, बीबी का नाम कैबिनेट के डिवीजन के लिस्ट में नहीं था, बीबी का नाम इलेक्शन कमीशन में नहीं था, बीबी का नाम हुमायूं दिलावर के सामने नहीं था, बीबी का नाम पहले केस में भी नहीं था। सिर्फ उसको इसलिए शिनवाल किया गया कि खान पे प्रेशर डाले, खान कंप्रोमाइज हो जाए। लेकिन आपका खान कंप्रोमाइज होने वाला नहीं है इंशाल्लाह, जब तक ये मुल्क रहेगा खान इंशाल्लाह डटा रहेगा। वो यही कह रहे हैं मेरा मरना इस मुल्क में, मेरा जीना इस मुल्क में, लेकिन अगर जीना इस मुल्क में तो कड़े होके जीऊंगा और आखिरी बाल तक लड़ूंगा इंशाल्लाह। अब आपके चीफ मिनिस्टर आएंगे इंशाल्लाह, इसके बाद वो खास ऐलान करेंगे इंशाल्लाह ताला। खान साहब की तसल्ली रखो इंशाल्लाह ताला, आपके दरमियान और खान साहब के दरमियान अब दूरी नहीं होगी इंशाल्लाह, बहुत करीब खान साहब आपके दरमियान होंगे इंशाल्लाह ताला। थैंक यू वेरी मच, खुश रहो।